हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को लगता है कि वे कैप्टन कूल के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फैंस का यह भ्रम महीने पल भर में चकनाचूर कर दिया। माही के कुछ टॉप सीक्रेट ऐसे भी हैं, जिनके बारे में न तो उनकी बायोग्राफी में जिक्र किया गया है और न ही कभी खुद कप्तान धोनी ने इस बारे में बात की। फैंस से अपनी निजी जिंदगी के कई राज छुपाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रमोशनल इवेंट में अपने पहले क्रश के बारे में खुलासा किया है। धोनी ने न सिर्फ उस लड़की के नाम का जिक्र किया, बल्कि उन्हें पहली बार कब प्यार हुआ इसके बारे में भी जानकारी दी। आईपीएल सीजन 11 में गल्फ ऑयल इंडिया फ्रेंचाइजी की एक बड़ी स्पॉन्सर है, जिसका लोगो टीम की जर्सी पर देखा जा सकता है। मंगलवार को इस कंपनी के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान सीएसके के खिलाड़ियों ने खूब मस्ती की। इसी बीच किसी ने कप्तान धोनी से उनके फर्स्ट क्रश के बारे में पूछ लिया। इस पर धोनी पहले तो शर्माए और फिर खुलकर अपने दिल की बात सार्वजनिक मंच पर साझा की। फर्स्ट क्रश के सवाल पर धोनी ने बताया कि जब यह 12वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब पहली बार उन्हें एक लड़की पसंद आई थी। धोनी ने अपने फर्स्ट क्रश का नाम स्वाति बताया। यह साल 1999 की बात है। धोनी की शादी साल 2010 में हुई थी। इस तरह उनका यह खुलासा शादी के 8 साल बाद हुआ है। बता दें कि यह इवेंट सीएसके के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव किया जा रहा था। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बॉलीवुड फिल्म महेश धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है।